ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की इस यात्रा में हम लोग इस समय स्कंद एक अध्याय पांच पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय पांच का आज ये अंतिम सत्र है और इसमें नारद मुनि और व्यास देव जी की वार्ता चल रही है। जैसा कि हमें पिछले सत्रों से विदित है कि व्यास देव संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, उनको आत्मसंतुष्टि का तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो नारद मुनि से वो अपना अवलोकन करने के लिए बैठे हैं, आत्मविश्लेषण करने के लिए, और उसी समय नारद मुनि उनके आश्रम में पहुंचते हैं। नारद मुनि गुरु का भाव व्यक्त करते हैं, गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, और व्यास मुनि ने यहाँ पर शिष्य के रूप में दिखाया है कि किस प्रकार की योग्यता अर्जित होनी चाहिए। तो गुरु हमारे जीवन में स्वतः आते हैं। नारद मुनि आने के पश्चात वहां पर अपने बारे में बताने से पहले व्यास देव के गुणों का वर्णन करते हैं, किस प्रकार व्यास देव ने समस्त वेद वांग्मय की रचना की है, पर उन्होंने कहा कि उसमें एक संशोधन करने की आवश्यकता है। जो भगवान की लीला है, रूप है, गुण है, उसका गान करो, सीधे प्रत्यक्ष करो, अप्रत्यक्ष नहीं। तो वेदों में जिसे प्राप्त करने की विधि तुमने बताया है, एक तुम्हें श्रीमद् भागवतम की रचना करके व्यास मुनि ये बताना चाहिए कि जिनको प्राप्त करने के लिए वेदों में कहा गया है वो वास्तव में कौन है, उनकी गाथा, उनकी लीला, उनके दिव्य नाम का वर्णन करो। उसके पश्चात नारद मुनि, जैसे कि कहानी का अपना प्रभाव होता है, अपने पिछले कल्प की एक कथा का वर्णन बताते हुए व्यास मुनि से चर्चा करते हैं कि वो एक साधारण सामान्य अति सामान्य परिवार के माता पिता जो उनके थे, ब्राह्मण ब्राह्मण माता और पिताजी, उनकी संतान के रूप में उन्होंने जो है जन्म लिया था, और किस प्रकार बचपन में ही पिताजी के शरीर छोड़ देने के उपरांत माँ सेवा कार्य करती थी। और सेवा किसकी करती थी, जो चातुर्मास में ऋषि आते थे शरद ऋतु वसंत ऋतु के उस पर, उनको जो है उन्होंने उपलब्ध कराया अपने सभी प्रकार की, जो आश्रम को बुहारना, साफ करना, स्वच्छ करना, भोजन पकाना, उनकी सभी जिनको हम कह सकते हैं कि साधारण कार्य होते तो उनको कर देती। लेकिन नारद मुनि अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यता बताते हुए व्यक्त करते हैं वहां पे कि वैसे मुझमें कोई अतीव कोई असाधारण योग्यता नहीं थी, पर मैं इंद्रियजित था, मैं चपल नहीं था, मैं मितभाषी था। ये गुण होते हैं शिष्य के रूप में, हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो व्यास मुनि अपने शिष्य के सामने बैठे हुए, व्यास मुनि के सामने नारद मुनि बताते हैं कि मैं स्वयं आज गुरु हूं, लेकिन मैंने अपने आप को किस तरीके से प्रदर्शित किया था, कौन सा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या रहा था जिसकी वजह से आज मैं नारद बना हूं। तो उन्होंने ये कुछ गुण बताए। जैसे श्रील प्रभुपाद के लिए कथा आती है कि श्रील प्रभुपाद ने गुरु वंदना पर बहुत प्रकाश दिया है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के किसी भी सेंटर में, मंदिर में देखें, जो भक्त है, जो इस परंपरा में जो है शिष्य है, जो भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित कर्म का, वो सभी अपने घर में प्रतिदिन गुरु वंदना गाते हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद शरीर रूप से जीवित थे, तो जब उनके शिष्य उनकी गुरु वंदना जब उनके शिष्य गुरु वंदना गाते थे, तो जाहिर सी बात है कि अगर गुरु वपु रूप में शरीर रूप में उपस्थित है, तो हम गुरु को गुरु का वंदन करेंगे, सामने से उनको फूल अर्पित करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, और इस प्रकार से। तो उस समय श्रील प्रभुपाद भी गा रहे होते थे, शिष्य उनके सामने खड़े होकर उनके लिए गा रहे, और वो धीरे धीरे गा रहे होते थे।
अपने उनके होठ हिल रहे होते थे, ऐसा शिष्य ने देखा था। तो एक दिन किसी शिष्य ने पूछा कि हम तो आपकी वंदना कर रहे हैं, आप किसकी कर रहे हैं? तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, मैं अपने गुरु को स्मरण कर रहा हूँ। तो नारद मुनि यहाँ व्यास मुनि के रूप में शिष्य को पाकर कोई अहम भाव से, मद भाव से अपनी गाथा नहीं सुना रहे हैं। नारद मुनि ये बता रहे हैं कि मैंने जब शिष्यत्व ग्रहण किया तो मुझ में क्या योग्यता थी। तो यही ये होता है ना कि जैसे महाराज दशरथ हमेशा कहते हैं कि वो राज दरबार में आईना रखते थे सामने, अपना जो वास्तविक स्वरूप है, अपना आत्मावलोकन, जो भी राजनेता के पद पर है, जो भी किसी विशिष्ट अधिकारी के पद पर है, महत्वपूर्ण जो महापुरुष के गद्दी पर अगर लोक नायक के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया गया, जैसे अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 में कहा गया है ना, यदि यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा महापुरुष आचरण करते हैं साधारण मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर व्यास देव को बता रहे हैं कि मैं जब शिष्यत्व ग्रहण किया उन ब्राह्मण ऋषियों के सामने, तो मैं मितभाषी था, इंद्रियजित था, चपल नहीं था, खेलने में मेरी अधिक रुचि नहीं थी, अर्थात मैं विषय को समझने के लिए स्वभावतः गंभीर था, और मेरी इस प्रकार की योग्यता को देखते हुए आचार्यों के अंदर मेरे लिए एक स्व अनुराग हो गया। उसके पश्चात उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी बताई थी जिसकी हमने कल चर्चा की थी, वो ये कि किस प्रकार जो उन ऋषियों का जो वो वेदांत पाठी थे, उनके अंदर आत्म तत्व दर्शन साक्षात्कार सब पूर्णता के साथ उपस्थित था उन ऋषियों के अंदर, तो उनकी जो जूठन बचती थी वो उनकी आज्ञा से नारद मुनि ने स्वीकार किया। तो गुरु का प्रसादी भी गुरु की आज्ञा से, ये समर्पण होता है, ये शरणागति होती है, ये नहीं कि मैं इतना बड़ा शिष्य हूं कि मैं तो गुरु का जूठन खाता हूं और इसके लिए मुझे गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से अगर हम कोई कार्य गुरु के नाम पर करें तो भी हमें मनसा वाचा कर्मणा वो समर्पित होना चाहिए गुरु के लिए, कि हम ये गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो अगर गुरु आज्ञा देंगे तो ठीक है, अगर गुरु आज्ञा नहीं देंगे तो ठीक नहीं है। तो अब आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 31 से। तो कल हम लोगों ने 21 से लेकर 30 तक जो है इस श्लोकों के क्रम को, इस अध्याय में, इस कथा के रूप में समझने और पढ़ने का प्रयास किया था। श्लोक संख्या 31 में है, येने वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधस मायानुभावं विदम, मायानुभावम् आविदं येन गक्षन्ति तत्पदं, येने वाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावम् अविदतं येन गक्षन्ति तत्पदं। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो यहाँ पर नारद मुनि ने बताया कि जब मैंने इस प्रकार का आचरण किया तो वो ऋषि मुझसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे वो गुह्य ज्ञान दिया, वो अति रहस्यमय ज्ञान दिया। ज्ञान हमेशा रहस्यमय होता है और उसे हमेशा रहस्य की तरह दिया जाता है, पर जब वो ज्ञान का प्रकाश अनुभव हो जाता है तब हम उसको दूसरे को दिए बिना नहीं रह सकते। तो नारद मुनि यहाँ पर इस सिद्धांत को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ज्ञान गुह्य था इसलिए पहले योग्यता देकर दिया गया। इसलिए भगवत ज्ञान कोई कोई ऐसा ऐसा साधारण कंकड़ पत्थर और भौतिक उपलब्धि का ज्ञान नहीं है। जैसे परिमार्जन किया जाता है जब एक प्रकार के तत्व को, तब वो सोने में परिवर्तित होता है और उसके बाद उसका पुनः परिमार्जन किया जाता है अनेक प्रकार के सुंदर अलंकार युक्त आभूषण बनाने के लिए। उसी प्रकार भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को रगड़ रगड़ के साफ करना होता है, और वो साफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसको नवदा भक्ति जो हम कहते हैं, जो हम भगवद गीता के भी कई श्लोकों में हमें मिलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये क्रम है, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कुछ करो मेरे लिए, मुझे सब सर्वस्व मानो, मेरी कथा को सुनो, कम से कम मुझे नमस्कार करो। नमन करने मात्र से हमें कहते हैं हमारे जीवन में कई प्रकार के जो कलमश है वो स्वतः धुल जाते हैं। तो भाव की स्थिति, गुह्य ज्ञान की स्थिति बहुत दिव्य है और ये योग्यता देखने के पश्चात प्राप्त प्रदान की जाती है। आप देखिए कई जैसे कई कई जो महान व्यक्तित्व अगर आप देखेंगे, उनके सबको लगेगा, उनके बाहरी व्यवहार से सबको लगेगा कि सब उनके बारे में जानते हैं, लेकिन वो अपने बारे में सिर्फ कुछ ही गुह्य लोगों के बारे को प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान भी अपने आप को कुछ गुह्य लोगों के सामने ही प्रस्तुत करते हैं, वो जिन्होंने वो योग्यता अर्जित कर ली है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अपने कार्यों में, अपने विचारों में, अपनी मनोदशा में,
सभी प्रकार से जो इस पर दृढ़ हो चुके होते हैं उनके सामने ये गुहे रहस्य प्रकट होता है, और उसके पश्चात जो शिष्य होता है उसके अंदर ऐसा उस गुहे को धारण करने की योग्यता आनी चाहिए। तो नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं, भक्तिमय सेवा द्वारा ये जो ज्ञान था, जो इतना गुह्य था कि वेद वेदांती पाठी हमारे ऋषि मुनि चतुर्माश्य करते हुए आते हैं, और मेरी सिर्फ सेवा से सरलता से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे इस प्रकार बता दिया कि भगवान और उनकी विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, शक्ति के एक अंश से किस प्रकार इस भौतिक जगत का प्राकट्य होता है। तो ये व्यास मुनि को नारद मुनि बता रहे हैं जिन्होंने स्वयं सारे ग्रंथों की रचना की है। वो कहते हैं, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है। तो जो हम लोग कहते हैं ना, बाह्य शक्ति, आंतरिक शक्ति और आंशिक शक्ति, तो बाह्य शक्ति से ये भौतिक जगत हो रहा है। आंतरिक शक्ति जो लादिनी शक्ति है, संवित शक्ति है, वो भगवान की आंतरिक शक्तियों में आती है। संवित, संधिनी और लादिनी, ये आंतरिक शक्ति हो गई। बाह्य शक्ति में जो है ये भौतिक जगत माया देवी आ गई, और आंशिक शक्ति में ये जीव आते हैं, हम सब जो है ये जीव आते हैं। इसके पश्चात दूसरे अंश में, जो कि दूसरा अंश जो आंतरिक शक्ति वाला अंश कहा गया है, उससे जो है सॉरी आध्यात्मिक जगत कहा गया है, उससे वैकुंठ और ये सब प्रकट हो रहा है। तो भौतिक शक्ति की सेवा में लगे हुए जीव जो हम सब हैं, भौतिक शक्ति की सेवा में अगर हम इस जगत में रहकर अपने को संतुष्ट करें तो हम किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं? सुख के लिए हम कठोर संघर्ष करते हैं, जबकि ये करते हुए हमारे अंदर मोह आता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं आ पाती है। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरल आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा दी जाती है। इसलिए श्री प्रभुपाद से जब किसी ने कहा कि आप इस श्लोक में कह रहे हैं कि हरि नाम करो, भगवान की सेवा करो, भगवत धाम प्राप्त होगा, भगवत धाम प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा भगवत धाम प्राप्त होने के बाद और भगवान की सेवा करेंगे। तो वही यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं गुह्य ज्ञान में व्यास देव को कि जो जीव इस मोह भ्रम की स्थिति से अपने आप को ऊपर कर चुके होते हैं उनको क्या प्राप्त होता है, उनको पूर्ण ज्ञान, अविरल आनंद और सनातन जीवन। इस अवस्था में जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है, शोक नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, ऐसी स्थिति में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा दी जाती है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि समस्त जीव इस भौतिक जगत में भौतिक सत्ता के अंदर सड़ रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहा है, रोटेन सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो सिर्फ भौतिक जगत के कार्य व्यापार को ही सब कुछ समझ कर हो रहा है, लेकिन असली जो उद्देश्य है वो इस गुह्यतम ज्ञान के द्वारा समझ कर कि हमें वापस जाना है, ये है। और ज्ञान का गुह्यतम अंश वास्तव में यही होता है। तो इसका ज्वलंत उदाहरण कौन है? भगवान नारद मुनि भगवान के इस जो गुह्य ज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं वो नारद मुनि स्वयं इसका उदाहरण है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवत सेवा करते हुए अपनी योग्यता अर्जित कर लेता है सबसे सरलतम तरीके से, तो उसको क्या प्राप्त होता है? उसको भगवान का चरण चिन्ह, भगवान के चरणारविंद में अनुगमन करने की भगवान योग्यता प्रदान कर देते हैं, और उसके पश्चात अनेक प्रकार के गुणों को, दिव्य स्वभाव को जानना उसके लिए अत्यंत ही सरल हो जाता है। जैसे जो राजमहल के अंदर रह रहा है वो आते जाते भी राजमहल के गुह्य भेदों से परिचित होगा, जो बाहर है उसे सिर्फ राजमहल के अंदर वाले लोग ही बता सकते हैं। तो नारद मुनि उनको वो गुह्यतम प्रवेश प्राप्त है, जहां से इसीलिए कहा जाता है कि भौतिक जगत में भगवान का ज्ञान नारद मुनि ही लाए हैं वैकुंठ से। यहाँ पर जब वो व्यास मुनि को उपदेश दे रहे हैं, व्यास मुनि कहने के लिए स्वयं लीला अवतार में आवेश अवतार है, शक्तिवेश अवतार, लेकिन क्योंकि हर हर ज्ञान एक परंपरा में आगे प्रवाहित होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर नारद मुनि को व्यास मुनि का गुरुत्व का पद प्राप्त हुआ है। तो श्लोक संख्या 32 पर चलते हैं। एतत् संसुचितं ब्रह्मन् स्थापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। एतत् संसुचितं ब्रह्मन् स्थापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। हे ब्राह्मण व्यास देव, विद्वानों द्वारा यह सुनिश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो व्यास मुनि को अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नारद मुनि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि सभी विद्वानों द्वारा
आप स्वयं ब्राह्मण व्यास देव का है। ब्राह्मण वो जो पठन पाठन मनन में लगे हुए हैं, और सभी के द्वारा ये निश्चित हुआ है कि कष्टों और दुखों का सर्वोत्तम उपचार कौन सा है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में स्वयं को समर्पित करना, जो हमारा वास्तविक कर्तव्य है। उसी को भौतिक जगत में रहते हुए भी करने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कहा जाता है, फेक इट अनलेस यू मेक इट। तो आप तब तक अगर अपने आप को बताते रहिए, मतलब फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत साधन संपन्न हैं, आप बहुत सुविधा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत भलाई करने वाले हैं। सेल्फ केयर के अंतर्गत इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि फील गुड अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में अच्छा महसूस करिए। तो फेक इट अनलेस यू मेक इट, जब हमारी वास्तविक स्थिति भगवान की सेवा करनी है, तो इस भौतिक जगत को जब विद्वानों ने सुनिश्चित कर दिया है कि भगवान नियंता है, भगवान कारण है, भगवान की शक्ति, प्रकृति, काल, कर्म, सब कुछ का उद्भव वो स्वयं है। वो अध्याय भगवत गीता में अध्याय 14-15 में जब जाते हैं तो कहते हैं कि प्रकृति अगर माता मानी जाए इस भौतिक जगत की, तो बीज प्रदाता पिता मैं हूँ, और प्रकृति मेरी स्वयं की शक्ति है। तो वास्तव में कुछ भी भगवान के इतर नहीं है, अतिरिक्त नहीं है। और इसलिए जो हमारा वास्तविक कर्म है, वो कर्म का अभ्यास हमें यहाँ भी करना चाहिए। जैसे जब हमारा मेन एग्जामिनेशन होता है, तो उससे पहले मॉक पेपर सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, हमसे कहा जाता है मॉक पेपर्स दीजिए। उससे क्या होगा, उतने नियत काल में आपका अभ्यास सुदृढ़ हो जाएगा। तो जब आप ये शरीर छोड़ने के लिए अपनी योग्यता बनाना चाहते हैं, तो इस जगत में रहते हुए जितने कार्य हैं वो भगवान के कार्य समर्पित करते हुए करके करते रहेंगे, तो क्या होगा, जब वास्तविक समय मिलेगा तो हम उसमें सिद्धहस्त हुए रहेंगे। अन्यथा क्या होगा, यहाँ कार्य ढंग से संपादित नहीं करेंगे और अगली योनि में जाएंगे, फिर अगली योनि में, फिर नहीं पता कि ये हाथ, पैर, मुंह, आंख, कान, दिल, दिमाग, त्वचा, महसूस करने वाली अनुभूति, इन सब के साथ ये सुंदर शरीर हमें अगली बार कब प्राप्त हो। जानवरों के लिए हमने कोई भगवत गीता नहीं सुनी, कम से कम सब कुछ कहा जा चुका है वेद वाङ्मय में। जो जो केवल भक्त रहे हैं, अगर वो किसी कारणवश अन्य योनि में गए हैं, तो उनकी स्मृति, मेधा, प्रखर बुद्धि उनको स्मरण कराती रही है कि वो भक्त हैं। अन्यथा जो कुत्ते, बिल्ली और हाथी, घोड़े की श्रेणियों में इस समय जीव हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी समय पर किसी और योनि में रहे होंगे, ये शास्त्र कहते हैं। तो हमें ये जन्म अब वापस कब मिलेगा, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण नवदा भक्ति की विधियों द्वारा किसी भी तरीके से, जैसे भी संभव हो, हमें स्वयं को भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत करते रहना चाहिए, उद्यत करके रखना चाहिए। कम से कम जीवा से हर समय भगवान का हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप होते रहना चाहिए। तो ये नारद मुनि यहाँ व्यास देव के माध्यम से, ये संवाद यहाँ क्यों प्रस्तुत किया गया, ताकि उनके माध्यम से ये हम सब लोगों के लिए भी बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। उसके पश्चात श्लोक संख्या 33 पर आते हैं। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। ये बहुत महत्व की बात है। क्या कह रहे हैं, आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हे श्रेष्ठ पुरुष, भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ है। तो जो रोगी की चिकित्सा करते हैं, जो कुशल चिकित्सक होते हैं, उसे अनुपान विधि कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि विष को विष से काटना चाहिए। क्या होता है, जैसे कभी कभी दूध के पदार्थ से, आयुर्वेद में तो ये बहुत प्रचलित है कि दूध के बने पदार्थ से अगर किसी का पेट गड़बड़ होता है, तो उसको किससे ठीक करते हैं, उसी दूध से जो दही बनती है उसमें अन्य औषधियां मिलाकर दी जाती है उस गड़ी, क्योंकि दोनों की तासीर अलग हो जाती है। दूध की तासीर अलग है शरीर के लिए, और दही की तासीर अलग होती है, तो उसमें कुछ औषधियां मिलाकर दे दी जाती है। तो भौतिक जगत के जो ताप त्रय हैं, ये जो हमारे आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक, अर्थात हमारे मन के कष्ट, हमारे आसपास के परिवेश की वजह से कष्ट, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कष्ट, ये जो तीन प्रकार के कष्ट हैं, ये भौतिक कष्ट है। तो ये केवल भौतिक की उससे ही दूर नहीं होंगे, इनमें कुछ मिलाना पड़ेगा, दूध का दही बनाना पड़ेगा, इनको आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। जैसे लोहे को पहले तपा दिया जाता है, फिर अग्नि अपना काम करती है, उसी तरह किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा अगर हम बदल देते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक करने का अर्थ हुआ कि उसे हमने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो पहले जो हम भोग स्वयं को भोग रहे थे, भोग को भोगने से हम रोग को आमंत्रण दे रहे थे, अब उसे हमने योग में परिवर्तित कर दिया। तो हमें कुछ त्यागना नहीं,
नहीं है। अगर हम त्यागने की बात करेंगे तो वास्तव में हम त्याग भी क्या सकते हैं, ये अध्याय 5 का भी विषय होता है बहुत सुंदर भगवद गीता में। वास्तव में हम क्या त्याग सकते हैं, जिस क्षण हमने ये शरीर धारण कर लिया, इस शरीर का हमें भार वहन परिपोषण करने के लिए भी कर्म में युक्त होना पड़ेगा, अन्यथा हम केवल अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से ही नहीं मुंह मोड़ रहे हैं, अभी तो हम भविष्य के कर्मों को भी अवरुद्ध कर रहे हैं। तो त्याग तो हम कुछ भी नहीं सकते। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बिल्डिंग बनाया, पुल बनाया, इतना बड़ा बड़ा इनोवेशन किया, अनुसंधान किया, क्या किया वास्तव में? बिल्डिंग और पुल बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है, वो कहाँ से आया? ये पत्थर, ये मृदा, ये बालू, ये पानी, इसका निर्माण तो नहीं किया मनुष्य ने। तो हम वास्तव में निर्माण नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, पदार्थ का स्थानांतरण कर देते हैं, रूपांतरण कर देते हैं। तो भगवान उसी तरह कह रहे हैं कि वास्तव में भौतिक जगत की जो क्रियाएं हैं उनका रूपांतरण कर देने से इस भौतिक त्रयत्राप से हमें मुक्ति मिल जाती है। जो जो सेवा हम अभी तक अपनी इंद्रियों की कर रहे थे, अपने संबंधियों की कर रहे थे, उस सेवा में अब हम भगवान का भाव देख रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो शास्त्र में खाने को मना किया गया है वो नहीं खाएंगे, जिस प्रकार की आदतों से दूर रहने के लिए कहा है वो नहीं खाए करेंगे, जिस प्रकार के संग से संघर्ष संसर्ग से दूर रहने के लिए कहा है वो नहीं करेंगे, और जो नियम बताए गए हैं 16 माला, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमें 16 माला नियमित करने का प्रयास करना चाहिए, इससे हमारे शरीर के चारों तरफ एक जो हमारी जो चेतना है उसके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, एक कवच बन जाता है। आपने देखा होगा कि जब आपका आध्यात्म सही तरीके से चल रहा होता है, तब आपके भौतिक कार्य भी बड़े ही यंत्रवत तरीके से, उचित तरीके से निकलते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो भौतिक वस्तु है उसको आध्यात्मिक शक्ति में बदल देना है, और इस प्रकार से करते 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 फेक इट करते करते फेक करते करते कि हम नकली भगवान की सेवा करें, जो विग्रह है उनकी हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम योग्यता अर्जित कर रहे हैं कि हम असली राधा रानी का श्रृंगार कर सके, हम भगवान की और राधा रानी के असली झूले को सजा सके। अनेकों प्रकार के भाव जो भक्तों के होते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि मृत्यु कब तुम आकर मेरा प्राण हरण करोगी, ताकि अगला जन्म जो मुझे मिले वो मेरी आज की विचार, आज की धारणा, आज की जीवन शैली के हिसाब से मैं प्रार्थना करूंगा शरीर छोड़ते समय कि मुझे बरसाना में मिले, जहां मैं राधा रानी का नित्य श्रृंगार कर सकूं, जहां मैं भगवान की और उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर सकूं, उनकी लीला में सहयोगी का पात्र निभा सकूं। तो जब हमारी जीवन धारणा, जीवन शैली सब एक 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 सिंगल एकात्मक प्रयास के लिए आबद्ध हो जाती है, तो उसे कहते हैं कि हमने भौतिक क्रिया, क्रिया वही है लेकिन उसका रूपांतरण हो गया है। तो इसलिए कहता है गुरु जो होता है वो भौतिक रूप से शरीर रूप में हमारे सामने खड़ा होता है, पर उसकी समस्त क्रियाएं आध्यात्मिक होती हैं। श्रील प्रभुपाद इसके ज्वलंत उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद ने इतनी उन्हें यात्रा करनी पड़ी थी 10 साल में, जिस समय जहां जिस घड़ी में, दिन में चाहे रात में चाहे शाम में चाहे सुबह में, जब जहां जहां की जमीन पर जो समय हो रहा होता था, इतनी यात्रा करते थे तब भी जहां की जमीन पर जो समय हो रहा होता था वहां उस समय का प्रसाद लेते थे, भले उन्होंने जहां से चले हो वहां सुबह का प्रसाद लिया हो नाश्ता, और अगले दिन जहां पहुंचे वहां सुबह हो रही हो, तो वो सुबह के नाश्ते में जो लेते हैं वो वही लेते थे। इतना आज के लोगों को होता है जेट लैग हो गया, कहते हैं यात्रा करते रहते, श्री प्रभुपाद को कभी जेट लैग नहीं होता था। क्यों? जब रात में वो दिन भर की अपनी समस्त गतिविधियां, समस्त कार्य प्रणाली, सबसे मिलना, मीटिंग करना, उनको प्रश्नों का उत्तर देना, उस मंदिर के बारे में प्लानिंग करना, सब कार्य करने के पश्चात जब वो रात में, उनके जो सेक्रेटरी है वो बताते हैं कि 2 से 3 घंटे सोने, रात को 10 बजे सबसे पहले उठ जाते थे, 8-9 के बीच में सोए और 10 के आसपास उठ जाते थे श्रील प्रभुपाद, और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो क्या करते थे, पुस्तकों का अनुवाद करते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 किताबें, श्रीधर स्वामी की किताब, विश्वनाथ चक्रवर्ती की किताब, जीव गोस्वामी जी की टिप्पणियां, मीमांसाएं, उनका टीका सब रखते थे साथ में। और ये जो भागवतम की आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं, जिन तात्पर्यों के माध्यम से हम ये ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये श्लोकों के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में पूरी रात लगा लगा के। तो आध्यात्मिक जीवन नहीं है तो और क्या जीवन है? हम एक दिन जग जाते हैं, 2 दिन जग जाते हैं, तो हमें हमें हफ्ते लग जाते हैं रिकवर होने में, 3, 4, 5 दिन। और नहीं, रिकवर होने की बात छोड़िए, सुबह उठते थे वही मंगला आरती का समय, 4 बजे मंगला आरती हो गई, अपनी माला करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात गुरु वंदन, गुरु पूजन, अपना वॉक पर जाते थे, और उसके पश्चात कथा कहते थे, उसके पश्चात पुनः प्रशासनिक कार्यों में लग जाते थे। तो ये जो जीवन है ये दिव्य जीवन है, कहने के
लिए शरीर से थे यहाँ पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, इन असीम ग्रंथों की अद्भुत तात्पर्यों की रचना करने के लिए उपस्थित रहे वो। तो उन्होंने उन्होंने अपने कार्यों से जो तथाकथित पदार्थ है, ये जो शरीर पदार्थ है, इसको आत्मा की सेवा में लगा दिया। और इस प्रकार जब प्रत्येक इंद्रिय, प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है, तब हम ये अनुभव कर पाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, ये जो वैदिक मंत्र है, तब ये चरितार्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब हम अनुभूति कर पाते हैं कि पदार्थ, चेतना, सब कुछ उन्हीं से निस्पृत हो रही है, और भगवान हमारे हृदय में उपस्थित होकर हमें ये ज्ञान प्रस्फुटित कराते हैं। एवं नृणाम की क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतव त एव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं नृणाम क्रिया योग सर्वे संस्कृति हेतव त एव आत्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ प्रस्तुत करते हैं? इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। अर्थात अगर अच्छे कर्म किए हमने, तो उसका फल भोगने के लिए हम कहें कि हम तैयार हैं, हम सकाम कर्म करें, भगवान हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो भगवान कहेंगे फिर इसके फल आप भोगोगे। लेकिन वही कर्म अगर भगवान को समर्पित कर दिए जा रहे हैं, अध्याय 15 जिसे पुरुषोत्तम योग कहा गया, वहां इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है कि अश्वत्थ वृक्ष जो है, जो उल्टा वृक्ष है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में जो चीज ऐसे खड़ी है, उसकी परछाई हमें भौतिक जगत में ऐसे दिखती है, तो आध्यात्मिक जगत में जो सबसे उच्च बिंदु है, वो भौतिक जगत में सबसे, अगर उसका हम नकल करने चल गए, तो वो सबसे निम्न स्तर का दिखता है। तो इसीलिए वहां पर जो प्रेम अवस्था कही गई है, वो सबसे शुद्ध अवस्था कही गई है, पर भौतिक जगत में लोगों के लिए प्रेम अवस्था एक बहुत ही सस्ती चीज बनकर रह गई है। भगवान के लिए लोग कहते हैं मैं निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, वास्तव में इस जगत में भगवान के अतिरिक्त और कोई किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। अनकंडीशनल लव, इतनी सब समृद्धि संपदा संरक्षण में रखे हुए भगवान हमसे वापस में प्रतिउत्तर में क्या मांगते हैं? केवल एक चीज, क्या? कि अपने आप को मुझे समर्पित करो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मत धारण करने को कहते हैं। पर जीव क्या है? जीव अपना सुख, अपना भोग, अपना प्रेम शारीरिक संबंधों में देखता रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई केवल कहने की, ये कोई केवल कोई साहित्यिक अतिरंजना है, ये वास्तविकता है। ऐसा कोई शारीरिक संबंध नहीं है, शरीर से जुड़ा हुआ संबंध नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मूवीज और ये सब कुछ बना दी गई है सिर्फ इसी बात पर। हॉलीवुड की मूवीज में एक बहुत ही खतरनाक मूवी बनाई गई थी, हम लोगों को कॉलेज टाइम पर बताया गया था कि अंत में एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन, अगर वास्तव में ये अनुसंधान के अंतर्गत हुआ था कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि सिर्फ दो लोग इस जगत में बचे हैं और एक का अस्तित्व दूसरे को नष्ट करने पर है, तो जीव उसको नष्ट करने में संकोच नहीं करेगा, चाहे उन दो के बीच में कितना भी स्नेहपूर्ण संबंध रहा हो। स्नेहासिक्त संबंधों को यहाँ पर चीर फाड़ करते हुए दिखता है और हम सबको दिखता है, बस हम उस पर उस आध्यात्मिक की दृष्टि से देख नहीं पाते। तो भगवान जो करते हैं प्रेम, वो सिर्फ अपने आप में निस्वार्थ प्रेम होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं रिटर्न में तुम मुझे और कुछ भी नहीं दे सकते, बदले में लेन देन में जो दे सकते हो वो सिर्फ यही है। और भक्त भी वैसे ही प्रेम करता है। जब प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए हैं, आगे हमारे भागवतम में आएगी ये कथा, तो प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात नरसिंह देव वहां पर प्रहलाद महाराज से कहते हैं मांगो मांगो कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांगो। और नरसिंह देव का उस समय का रूप ऐसा बताया गया कि देवी देवता सब थर थर कांपने लगे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भेजा, लक्ष्मी भी कांपने लगी, बोली मैं इनको नहीं पहचानती, ये हास्य नहीं है, ये भगवान का रूप, भगवान कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं, ये बताने की वहां पर अभिव्यक्ति है। तो सब किसको आगे करते हैं? प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं। और अतड़ियों की माला पहने हुए नरसिंह देव, दोनों हाथों में उनके जो है नाखूनों में खून लगा हुआ, और प्रहलाद महाराज वहां उनको प्रणाम करते हुए स्तुति गाते हैं, जिसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना कही गई है। वो बहुत सुंदर श्लोक है जो भी आगे आएंगे। तो वहां पर नरसिंह देव कहते हैं कि मैं बहुत
प्रसन्न हो, मुझसे कुछ मांगो कुछ मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मांगना मांगना कहकर आप मुझे मंगता मत बनाइए, ये जो लेन देन का व्यापार है ये सिर्फ भौतिक जगत के लिए है। तो भक्त का अभिमान सिर्फ ये होता है कि आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ, और इसी अभिमान से उसके सारे कार्य होते हैं। गोपियों ने सारे जगत को भगवान कहते हैं कि जब उन्होंने भक्तों की, एक भक्तमाल ग्रंथ में लीला आती है, हनुमान जी की कथा मैंने आप सबको बताई थी, कि हनुमान जी की कथा ऐसी है कि जब हनुमान भगवान ने कहा कि ये किसी ने पुस्तक दी हनुमान जी को कि ये भगवान के भक्तों की सूची है, तो हनुमान जी ने पहले पेज के पहली पंक्ति के पहले अक्षर से आखिरी पेज के आखिरी पंक्ति के आखिरी अक्षर तक पढ़ डाला, उनका नाम नहीं था। तब जो थे जो भक्त जिन्होंने ये हास्य किया, तो उन्होंने दूसरी पुस्तक देते हुए कहा कि और ये वो पुस्तक है, पहली पुस्तक वो थी जिसमें ये भगवान के भक्त जो भगवान को हर समय याद करते हैं, और दूसरी पुस्तक ये है जिसमें कि जिनको कि भगवान याद करते हैं। तो उस पुस्तक में हनुमान जी का नाम सबसे अग्रगण्य पेजों में लिखा हुआ था, पंक्तियों में लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि भगवान हनुमान जी ने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई यश नहीं, समुद्र पार किया मैंने मुद्रिका से किया, और वापस पार किया मैंने तो चूड़ामणि से किया, संजीवनी तो मैं नहीं लेके आया, ये तो भगवान ने मुझे, ये तो लक्ष्मण को सुलाने के लिए भगवान ने मुझे इस प्रकार से निमित्त बनाया। तो हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा, हनुमान भी उनका इस हनु इस ठोड़ी को जो है टूटने की वजह से उनका नाम हनुमान हुआ। बजरंग बली इसलिए हुए क्योंकि वो अगाध बल के, वायुपुत्र, अंजनी सुत, जो भी वो नाम है वो उनकी विशेषताएं हैं, वो उनको उद्बोधित करने का एक सरल प्रयास है, पर उन्होंने स्वयं कोई नाम नहीं रखा, स्वयं कोई यश नहीं लिया और स्वयं कोई रूप धारण नहीं किया। कपि रूप धारण करने से कहते हैं सुबह सुबह बंदर का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये तो उन्होंने रूप धारण किया ताकि भक्ति में कोई बाधा ना आए। तो भगवान कहते हैं जो भक्त अपना नाम रूप और यश नहीं धारण करना चाहता, मैं उसका नाम रूप और यश कहता हूँ। तो इसलिए जब तुलसीदास जी जैसे भक्त लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे होत नागिया बिनु पैसारे, हनुमान की कृपा के बिना किसी को राम की कृपा नहीं प्राप्त होती। उद्धव जैसे तत्व वेत्ता, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार के जो प्रणेता गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव, और उनको कृपा किनसे प्राप्त होती है, जब 6 महीने वो गोपियों से रहकर भक्ति सीख कर आते हैं, तो भगवान के जो भक्त हैं वो उनसे किसी तरह का लेन देन का व्यवहार करते ही नहीं है। वो जितने भी समस्त कार्यकलाप क्रियाएं गतिविधियां हैं वो बिल्कुल अनासक्त निरासक्त भाव से जिम्मेदारी स्वरूप करते हुए वहन करते हैं, और उसके सार में उसके फल के लिए वो किसको समर्पित कर देते हैं कि ये भगवान का है। उसके पश्चात आगे श्लोक संख्या 35 में नारद मुनि कहते हैं, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम् ज्ञानम यतदधीनम हि भक्ति योग समन्वितम्, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम् ज्ञानम यतदधीनम हि भक्ति योग समन्वितम्। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। नारद मुनि व्यास देव को यहाँ पर स्मरण करा रहे हैं कि व्यास देव, आपने अब तक जो कुछ भी वेदों में लिखा है वो ज्ञान है, आपको जो प्रस्तुत करना है अब वो भक्ति प्रस्तुत करनी है। जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तब वाटर बनता है केमिकल रिएक्शन में, जब पेड़ जो है सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं तो उससे जो है वायु, जिससे वनस्पति, जिससे जो है जीवों की उत्पत्ति, जीवों की इस धरती पर जो है का अस्तित्व संभव है। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति भक्ति करेगा, भक्ति मूल तत्व है, भक्ति हमारा ध्येय होना चाहिए जीवन का, और भक्ति करते हुए ज्ञान स्वतः आ जाता है। भगवान कहते हैं कि भक्त बनने के प्रयास में सभी सद्गुण व्यक्ति स्वयं धारण कर लेता है। तो भक्त बनने का जब प्रयास करता है तो जिसे आप ज्ञान कह रहे हैं वह सहगामी हो जाता है। तो शास्त्र अनुमोदित विधि से जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान करने लगता है, तो भगवान कहते हैं, तो नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं, उनके शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने जो है तात्पर्य में लिखा है कि ये संस्तुति स्वयं नारद मुनि द्वारा की जा रही है, कि मूल सिद्धांत भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे त्रिविध तापों से तय रहे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बालक में इतनी स्वतंत्रता की भावना है कि वो माता पिता की बात नहीं समझना चाहता, तो फिर उसको जो उसके भाग्य का, जो उसके कोटा का कष्ट है, उसके उसको जो अलॉटेड
कोटा है उसमें से जो कष्ट है उससे भगवान उसको बचा भी नहीं सकते। तो भगवान क्या है, इसलिए भक्ति जब करेगा अचानक से, ज्ञान से नहीं भक्ति से, धीरे धीरे कलमशों से मुक्त होने लगेगा, और कलमशों से जब शुद्धि होगी तब आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर प्रगति होगी। मैं, मेरा, तू, तेरा, इन सब भावनाओं से इंसान अपने आप को ऊपर उठा सकता है। नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाववर्जितम्। जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह दैवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। तो यहाँ पर जो श्रवण कर रहे हैं हम, जैसे हम भगवान की लीला सुन रहे हैं, क्योंकि जैसा हम सुनेंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे, वैसी हमारी धारणाएं पुष्ट होंगी, वैसी ही हमारी जीवन शैली बनेगी। तो हम ये कथा श्रवण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस शुद्धिकरण के मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके पश्चात तो ज्ञान अपने आप इसका अनुगामी बन जाएगा। ज्ञान की चिंता उतनी नहीं करनी है जितनी भक्तिमय कर्म को जीवन में धारण करने के लिए करनी है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवक्षीषया गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवशिक्षया गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका, उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो ये सेवा किस तरीके से की जाती है? हर क्षण भगवान का जो कुशल भक्त होता है वो अपना जीवन ही ऐसा धारण कर चुका होता है, ऐसे ढाल चुका होता है कि जीवन के सभी प्रकार के कार्य अगले जन्म के लिए भी वो क्या करेगा, सिर्फ भगवान के नाम, यश, रूप, गुण का ही गान करता रहेगा। इनफैक्ट अगर अगर हमें स्मरण हो तो भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कार्य करना चाहिए। जैसे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र हो गए, ब्रह्मा हो गए, सरस्वती हो गए, गणेश हो गए, इन सब कतिपय देवताओं की पूजा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्येक दशा में, ये विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। तो इनके वैदिक अनुष्ठान अगर इंद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती और गणेश जी के विरोध, तो उसमें विष्णु का प्रतिनिधित्व क्या है, यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। यज्ञ विष्णु जी का मुंह कहा गया, जिसके माध्यम से वो समस्त जो संविदा प्रदान की जा रही है उसको स्वीकार करते हैं। तो विष्णु की उपस्थिति तब भी अनिवार्य है जबकि विशेष देवताओं की कर्म कांडीय तरीके से पूजा हो रही है, तो भी वहां पर यज्ञ वेदी वहां पर स्थापित की जाती है। तो ये बहुत सरल विषय है, पर इसको हमें इसलिए धारण करना है क्योंकि हमारी स्मृति में ये पक्का हो जाना चाहिए कि शुद्ध भक्त सदैव स्मरण रखे इस बात को कि भगवान के दिव्य नाम, यश और गुणों को मुझे हमेशा सदा सर्वदा पहचानते हुए गान करते रहना है। ये भगवान के लिए नहीं, ये अपितु हमारे लिए है ना। तो कई प्रकार की, और इसमें जो है आचार्यों की टिप्पणियां हैं, इसमें कहा गया है कि जो अनिच्छुक लोग होते हैं, जो नहीं करना चाहते भगवान की भक्ति, उनको भी उनकी जो रुचि है उस प्रकार से करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावृत संघ में क्या कहा, कई लोग जो जुड़े हैं इस्कॉन से, कोई कहता है कि वो इस्कॉन के सुंदर कीर्तन सुन सुन के इस्कॉन के प्रति उसके अंदर लगाव आया, कोई कहता है इस्कॉन के इतने सुंदर प्रसाद जो वो स्वादिष्ट प्रसाद जो वितरित करते हैं हर मंदिर के बाहर, इनफैक्ट जो खिचड़ी प्रसाद भी होता है वो भी इतना स्वादिष्ट होता है कि उससे आपका एक लगाव हो जाता है, कि कोई कहता है मैं इस्कॉन की, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के आया, कोई कहता है उनकी मैं उनके मंदिर के, हर मंदिर का एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मंदिरों के श्रृंगार का वही स्टैंडर्ड है, वही मानक है, वही उच्चतम व्यवस्था है, और हर मंदिर में जो कार्यक्रम की श्रृंखला है बिल्कुल वही है, चाहे हम कश्मीर के इस्कॉन सेंटर में चले जाएं और चाहे हम आर्कटिक के इस्कॉन सेंटर में चले जाएं, स्कॉटलैंड चले जाएं, कहीं भी मंदिर के जो मानक है वही स्थापित किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान की वंदन, भगवान की स्तुति के गुणवत्ता के साथ कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो वैसे भी किसी भी शरीर को धारण करके और किसी भी रोजगार में रहकर और किसी भी रूप में, किसी भी स्त्री और पुरुष के लिंग में परिवर्तन किए बिना जो एक मत से अपनी समस्त क्रियाओं को मुझे देता है, वो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वैसा व्यक्ति जो है मुझे सर्वदा सबसे अधिक प्रिय होता चला जाता है। तो निरंतर उनके गुण, नाम और रूप का हमें स्मरण करते हुए उनके दिए हुए कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान श्लोक संख्या 37 में जाते हैं। भगवान यहाँ पर हमारे नारद मुनि हैं। नारद मुनि श्लोक संख्या 37 में व्यास देव को कह रहे हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यम
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो ये जो वासुदेव हैं, इसके लिए जो हमने जब ने अध्याय एक शुरू किया था, अध्याय एक के श्लोक संख्या एक, स्कंध एक अध्याय एक श्लोक संख्या एक में, वहां पर जो वासुदेव शब्द हुआ था अनुवाद में प्रयोग, तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है स्पष्ट रूप से कि वासुदेव उन भगवान का नाम ही इसलिए है क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव और देवकी द्वापर वाले हैं, और द्वापर के वसुदेव और देवकी के पुत्र जो कृष्ण हैं, जिन्होंने भगवद गीता सुनाई है, उन वही एकमात्र वासुदेव पूरे शास्त्रों में कहे गए हैं, वसुदेव कहे गए और वही वासुदेव कहे गए हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि जो मनुष्य रूप में द्वापर काल में आए थे, द्वापर युग में आए थे, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो ये भी एक कारण है ये स्पष्ट करने का। नारद पंचरात्र स्वयं नारद जी की रचना है, और उसमें उन्होंने नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण का वर्णन किया है। वो बताते हैं, जो अगर आप लोगों को वो श्रृंखला याद हो, मैंने स्लाइड में भी प्रस्तुत किया था, बलराम जी के सत्र में भी हमने इसको समझने का प्रयास किया था कि सबसे ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, बलराम जी उनके प्रथम संकर्षण के विस्तार से बलराम जी के विस्तार से प्रथम संकर्षण आते हैं। प्रथम संकर्षण ये जो है उनके साथ प्रद्युम्न अनिरुद्ध वसुदेव, ये जो पूरी एक श्रृंखला है चतुर्व्यूहों की, ये आती है। उसके पश्चात नारायण है, फिर द्वितीय चतुर्व्यूह है संकर्षण से, और उनसे जो है हमारे गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई और कारणोदक्षाई विष्णु आ रहे हैं। तो ये सब कुछ नारद पंचरात्र में बहुत विस्तार रूप में, ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। तो ओंकार जो प्रणव से ये वैदिक मंत्र अभी आरंभ हुआ है, ये वास्तव में कीर्तन के द्वारा, वास्तव में इसको कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ये स्थापित होना चाहिए। ये एक वैदिक मंत्र है ओम, ये हम सबको पता है, बहुत ही आसानी से हम इसको हमेशा बचपन से सुनते आए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भगवान की दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति करना कि अंत जो है सभी सभी प्रकार के मार्गों का, जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए होता है, वैसे ही भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए होना चाहिए। तो जो हमारे, अगर हमें स्मरण होगा कि शौनक आदि ऋषियों ने जो है गुहे अंश की बात की थी सूत गोस्वामी जी से, गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि से गुहे ज्ञान क्या है, तो उसकी व्याख्या बेसिकली इस श्लोक में दी जा रही है, ये 33 अक्षरों वाले इस मंत्र से। ये चार विग्रहों को तथा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित किया जाता है। तो केंद्रीय विग्रह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो गए, और ये पूर्ण अंश उनके अनुरक्षक हो गए। तो इस उपदेश का गुह्यतम अंश यही है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर स्मरण एवं कीर्तन करें। ठीक है, उसके पश्चात श्लोक संख्या 38 में चलते हैं। इति मूर्त्यभिधानिना मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शन पुमान्। इति मूर्त्यभिधानिना मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग् दर्शन पुमान्। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्रमुख मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। वास्तविक दृष्टा अर्थात वास्तव में बुद्धिमान, वास्तव में देखने सुनने समझने वाला कौन है? वही है जो भगवान की दिव्य मूर्ति की, भगवान के दिव्य मंत्र की उपासना करते हैं। मंत्र मूर्ति कहा गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमारे ये कलि संतरण उपनिषद है, उसमें जो भगवान का ये मंत्र रूपी मूर्ति, भगवान कहते हैं मेरा मंत्र और मैं अलग अलग नहीं हुए, कलयुग में मेरा मंत्र ही मैं हूँ, मेरा वही मेरा स्वरूप है। तो हमारा कलि संतरण उपनिषद जो है उसमें क्या कहा गया है? इति षोडशम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतो रूप्याय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो उसमें स्पष्ट रूप से यही बताया गया है कि ये जो सभी प्रकार के वैदिक वांग्मय को ढूंढने के पश्चात हरि नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त करने से अधिक सरल और कोई
कोई विधि नहीं है और कोई भी विधि नहीं है, इस विशेष रूप से इस कलयुग में और कोई भी विधि नहीं है। तो हमारे जो वर्तमान इंद्रिय भौतिक तत्वों के जो भूतियां हैं, उससे हमें सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना है। उससे हमें इस मंत्र के द्वारा हमें प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से उनके ही निर्देशन में कीर्तन करते हुए, अभ्यास करते हुए, भगवान के निकट जाते हुए पंचरात्र विधि में जो दिव्य भक्ति में सेवा बताई गई है, उसके द्वारा इस कलह प्रधान युग में भी हम भगवान के अत्यंत निकट रह सकते हैं, अगर हमारे जीवन में ये मार्ग स्पष्ट है। इस पर चलने का औचित्य और इस पर चलने का जो परिणाम है, वो दोनों हमें औचित्य पता रहना चाहिए और परिणाम स्मरण रहना चाहिए। ठीक है, फिर जाते हैं अगले श्लोक पे। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् एवेत्या मद अनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यम् स्वस्मिन् भावम् च केशव। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्या मद अनुतिष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यम् स्वस्मिन् भावम् च केशवम्। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। किसको वर दिया? नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे इस प्रकार ये दिया। क्या क्या दिया? पहले ऐश्वर्य का, पहले ज्ञान का भाव मिला हमें भगवान के, फिर उनके ऐश्वर्य का, और उसके पश्चात उनकी सेवा का भाव मिला। तो कथा जो है यहाँ पर ये वर्णन आएगा आगे अभी, लेकिन अगर अगर हम अन्य शास्त्रों को जाए तो वहां पर होता यह है कि समयांतर में नारद मुनि की जो माँ थी उनको जो है सर्प ने डस लेता है, काल उसे कहते हैं, काल ने डस लिया और बालक अकेला रह गया। और बालक ने जो ऋषि जा रहे थे उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, ये नारद मुनि के पिछले कल की कथा है। तो उन्होंने कहा कि जिस भगवान के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान का शब्द जो यहाँ पर है वो हमारे लिए महत्व का है, जिस ज्ञान के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, इस ज्ञान को अपने हृदय में, अपने दिमाग में, मन में स्थिर रखते हुए हृदय में भगवान को धारण करो और भगवान तुम्हें मिलेंगे। तो नारद मुनि के उस जन्म में कथा आती है कि उनको आकाशवाणी हुई जब कि मैं सामने हूं और अपनी आंखें खोलो। तो नारद मुनि कहते हैं कि जो हृदय में मैं, जिसको मैं हृदय में देख पा रहा हूँ वो मुझे बाहर दर्शन दे, तब ऐसा होगा। तो उनको क्या लगता है कि कहीं कोई मेरी तपस्या भंग करने तो नहीं आया? तो इसके लिए भगवान उनके हृदय से वो छवि अंकित जो है उसको मिटा देते हैं। तो तुरंत अकुलाहट में नारद मुनि बाहर आंखें खोलते हैं, तो उनको चतुर्भुज रूप का जो है जब दर्शन होता है, तो वो कहते हैं कि अब ये जन्म तुम्हारा बीत जाएगा, अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो नारद मुनि अपने उसी उसी अनुभव के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने पहले ज्ञान समझा, फिर मैंने ऐश्वर्य समझा, वो जो ऐश्वर्य जिस भाव में भगवान मेरे सामने हुए, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब ये जन्म मेरी सेवा करते हुए बिताओ, तब अगले जन्म में तुम मुझे सदा सर्वदा भक्त के रूप में तुम्हें मैं स्वीकार कर लूंगा। तो अनन्य श्रद्धा रखने से जो स्वरूप साक्षात्कार होता है, भगवान यहाँ वो स्पष्ट कर रहे हैं, नारद मुनि हमारे भगवान वेद व्यास जी को वो स्पष्ट कर रहे हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 40 में वो कहते हैं, त्वमाप्यद्भश्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदाम बुभुक्षितम् प्राख्याहि दुखैर्मुहुः अर्दितात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुष्णन्ति नान्यथा। त्वमपि अद्भश्रुत विश्रुतम विभो समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम् प्राख्याहि दुःखे मुहूर्ततात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर नारद मुनि ने अब क्या कहा, हमारे व्यास देव को कहा है, अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा। जो भौतिक दुख से सदैव पीड़ित रहते हैं, निसंदेह उन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए उन्होंने कहा है ये निर्माण करने के लिए कथा का और इस ग्रंथ का। पहला, जिन्होंने आपको
अर्थात भगवान को, जिन्होंने आपके द्वारा ये पढ़ा है, इन वेदों को पढ़ा है, और उसके द्वारा क्या जाना है, ज्ञान पिपासा प्राप्त हुई, शांति की है। तो जैसे हमारे दंडकारण्य के जो ऋषि थे, वो भगवान की सुंदरमय रूप को देखकर, जो जन्मों की साधना कर रहे थे, वो रूप को देखकर कहते हैं कि हम तो बस पर ब्रह्म और पर ब्रह्म ज्योति की धारणा करते रह गए तपस्या रूप में। इस सुंदर सलोने रूप का तो हमें दर्शन ही नहीं हुआ था। तब वो प्रार्थना करते हैं कि अगली बार जब आप मनुष्य अवतार ले तो हमें अपने इस रूप रस का पान कराने का अवसर प्रदान करें। और तब वो जो दंडकारण्य के लाखों लाख ऋषि हैं, वो व्रजमंडल की गोपियां बनते हैं। गोपी अर्थात जिसकी समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, वो दंडकारण्य के ऋषि हैं जो गोपियां बनते हैं। और भगवान वहां पर स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान पिपासा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना, ज्ञान पिपासा से इसकी तृप्ति आपकी वास्तव में केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं होगी। ग्रंथ का जो है, जो भोक्ता है, अंतिम परम नियंत्रक, परम हितैषी, परम दयालु, वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। हमें उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। तो या तो वैसे लोगों के ज्ञान पिपासा शांत होगी, या जो हमारे जैसे सामान्य लोग हैं, मेरे जैसे सामान्य लोग हैं, हम जो कलयुग के जीव हैं, जो ध्यान धारणा इन सब में जा ही नहीं सकते, हम बस सरल सहज स्वाभाविक तरीके से भगवान की सेवा करके भगवान के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, वो लोगों के लिए कह रहे हैं कि कथा से ये उनके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। अब देखिए व्हाट्सएप के बड़े बड़े फॉरवर्डेड मैसेजेस में अगर तत्व लिखा होगा, फिलोसफी लिखा होगा, तो शायद लोग पढ़े भी ना, लेकिन अगर आप कथा लिखिए, कितनी भी लंबी कहानी लिख दीजिए, बड़ी बड़ी शिवलिंग यहाँ से लेकर वहां तक इस प्रकार से है, या एक वृंदावन में एक बुढ़िया रहती थी और उसके साथ इस प्रकार से भगवान ने इस प्रकार, कितनी भी लंबी कथा हो, प्राय लोग कथा पूरी पढ़ते हैं। तो इसलिए नारद मुनि इस स्वभाव को पहचानते हुए व्यासदेव से कहते हैं कि आप कथा के रूप में इसे प्रस्तुत करिए। जो सज्जन है उनकी चार श्रेणियां बताई गई है, जो दुर्जन है उनकी भी चार श्रेणियां बताई गई है। तो चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को केवल तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं, और जब वे ईश्वर के विषय में अधिक जानना चाहते हैं। तो क्या है आर्त, जिज्ञासु, ये जो विद्वत, ये जो चार स्तर बताए, चार श्रेणियां बताई गई हैं, ये किस बात की बताई गई हैं कि ये भगवान की सत्ता को स्वीकार करके किस प्रकार अपने को उद्यत करने का प्रारंभ करती हैं। और उसी प्रकार दुर्जनों की जो श्रेणियां वो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इसी के साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहेंगे, वे जो इंद्रिय तृष्टि के गर्हित कार्यों में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम भोगते हैं, वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाने की मति से नष्ट कष्ट पाते हैं, और अंततः वो जो भगवान से घृणा करते हैं, नास्तिक हैं। तो चाहे वो दुश्मन हो, रावण और कुंभकर्ण और कंस जैसा, चाहे वो विद्वान हो, किसके जैसा, जैसे कि जो शास्त्र अर्जुन ने पढ़े थे वही शास्त्र दुर्योधन ने भी पढ़े थे, पर अर्जुन भगवान को पहचान गया, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि वो इस तीसरी श्रेणी में आते हैं, जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करने की मति के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो दुर्योधन उस श्रेणी में आते हैं। उसके पश्चात जो पहला और दूसरा था वो हमारे लिए सहज स्वाभाविक था कि पहले में क्या था कि सहज प्रगतिशील सकाम के प्रति आसक्त है और भोगते रहते हैं, हम सबकी लगभग वही गति होती है, इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और परिणाम को भोगते रहते हैं, दुर्जनों की अवस्था है। उससे पहले जो सज्जनों की अवस्था थी, सार दोनों का एक ही निकल के आता है कि सज्जन और दुर्जन जो आठों प्रकार के लोग हैं, नारद जी ने व्यासदेव जी को कहा है, उनका कल्याण करने के लिए आप इस भगवान की महिमा को कहिए, ये किसी विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं है, ये तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। तो आज के लिए इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत नारद देव द्वारा व्यास देव को जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया गया, जो उपदेश दिया गया है, उसके नाम से स्थापित ये पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद और व्यास देव जी के संवाद में एक अध्याय और है, और उस अध्याय में व्यास देव अपनी कुछ पहले व्यास देव से शुरू हुआ था और नारद से यहाँ पर खत्म हुआ था। अब इसके अतिरिक्त इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए
कुछ और अधिक भौतिक जिज्ञासाएं हैं, उसको व्यास मुनि नारद देव से पूछेंगे तो हमारा अध्याय 6 खत्म हो जाता है और उसके पश्चात कथा शुरू हो जाती है महाभारत की। अध्याय 7 से हमारी कथाएं शुरू होने लग जाएंगी। अब द्रोण पुत्र ने किस प्रकार दंड प्राप्त किया, अश्वत्थामा की कथा आएगी, कुंती महारानी की कथा आएगी, भीष्म देव का देह त्याग आएगा, द्वारका के लिए भगवान जा रहे हैं, द्वारका में उनका प्रवेश हो रहा है, वहां पहुंचते ही कौन सी विपत्ति आ जाती है, इधर सम्राट परीक्षित का जन्म होता है। ये सब हमारे अध्याय की श्रृंखला है आगे, जो कि भगवान की कृपा से इन्हीं सत्रों में प्रस्तुत की जाती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है कि प्रतिदिन का ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के पश्चात अपनी मालाएं, अपना हरि नाम जाप बीट्स पे, तुलसी महारानी की जपमाला पर, या किसी भी प्रकार से मुंह से ही बोलकर, अगर आपको वास्तव में नहीं बिल्कुल समय है, पर इस जप की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए। वास्तव में जो कुछ भी हम सुन रहे हैं उसको समझने के, उसको सुनकर नाम जप करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और नाम जप करेंगे तो ऐसे सुनने के अवसर भगवान और उपलब्ध कराता चला जाता है, जो सब हमारी गृहस्थी में और सब जगह फिट होता चला जाता है। तो इसलिए इन वचनों पर विश्वास करते हुए अब हम लोग कल से अध्याय 6 व्यास तथा नारद देव का जो संवाद है उसका जो है ये अंतिम जो है हम कह सकते हैं कि सेक्शन है, अंतिम भाग है, और उसके बाद हम कथा में जाएंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा।